जाने से हमको सूर्य नहीं दिखता और सूर्य ये कहने लगे कि मेरे ऊपर बादल आ गए हैं और सूर्य के ऊपर तो नहीं आए हैं ना? तो ये जो हमने कल्पनाएं की हुई हैं इनसे बाहर निकलना हमारे लिए स्वतंत्रता का मार्ग है। मैं और आप यहाँ पर बैठे हैं, मुझे स्वतंत्रता है, मैं चाहूँ तो अभी इस काम को ख़त्म करके उठकर चला जाऊँ, आपको भी स्वतंत्रता है ना? लेकिन हम उस छोटी स्वतंत्रता का उपयोग सोच समझ करके करते हैं किसी और बड़ी स्वतंत्रता के लिए। प्यार तभी बंधन है जब आप उसमें से कुछ लेने की अपेक्षा करते हैं, और जिस समय आप केवल देने के लिए करते हैं तब वो बंधन नहीं है, तब वो स्वतंत्रता है। जब मनुष्य इस स्वराज्य को अपनी जो चमक अपने आप है उसको जानता है, तब मैं आपको बतला रहा हूँ उसको दूसरे से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम लोग सन्यासी लोग हैं। आपकी पत्नी एक दिन नाराज़ हो जाए तो आपका दिमाग दिल जो है बैठ जाता है, हंस करके बोल दे तो आप खुश हो जाते हो। अच्छा, हमारे आश्रम में लोग खुश भी आते हैं, नाराज़ भी आते हैं, सबको खुशी करके भेजते हैं। हमसे हमको उनसे कुछ लेना नहीं होता कि ये मुझे उठाएगा, मुझे खुश करेगा, मेरी सेवा करेगा। इसीलिए हम लोग ये उषा काल के रंग का, अग्नि के रंग का वस्त्र, अग्नि की ज्वाला के रंग का वस्त्र पहनते हैं कि हमको स्मरण रहे कि हमारे भीतर की ज्योति बाहर प्रकट होनी है, समझ रहे हैं? और ये बाहर से कोई ज्योति हमको किसी से लेने की आवश्यकता नहीं है, जो भीतर की है प्रभु कृपा से वो हमको भीतर से निकालनी है ना। तो जो प्यार आपका किसी दूसरे के काम पर निर्भर है, वो मुझे ऐसा करेगा मेरे लिए तब मैं उसे प्यार करूँगा, तो वो प्यार नहीं है, वो है बंधन। उसमें आप उस पर निर्भर हैं अपनी खुशी के लिए, पर यदि आपके अंदर अपना जो अपनी परिपूर्णता है, अपने भीतर जो अपना पूर्णत्व है उसकी अनुभूति रहती है, उसकी भावना रहती है, उसको आप पूर्ण कलश समझ करके अपने आप को चलते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ आप अमृत कलश की तरह से उंडेलते फिरते हैं, खुशी बांटते फिरते हैं, तो आपको किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। और सारा संसार अनुभव करता है कि क्या प्यार उनसे मिला। आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कीजिए ना, हाँ वहाँ आपको बहुत सुख है, बहुत सुविधा है, उस सुख सुविधा का उपयोग कीजिए। अच्छा, ये ज़रूर है कि भारतवर्ष में स्वतंत्रता ज़्यादा है, आपके यहाँ यूरोपा में स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि मनुष्यों के मन जो है ना वो बंधे हुए हैं। बस खुल जाएंगे तो लोग खुश हो जाएंगे। ये जो भाषा में हम शब्द बोलते हैं ना, बहुत सारे शब्द निरर्थक होते हैं। जैसे मोक्ष पाना, ये शब्द निरर्थक है। जैसा मैंने उदाहरण दिया कि जेबी में हीरा रखा रहा और हम उसको पत्थर समझते थे, अचानक हमें पता लग गया कि हीरा था, तो क्या हमने कोई हीरा पाया या जो वहाँ पर था उसे पहचाना ना? तो मोक्ष पाना जो है ये निरर्थक है जी। ये जान लेना कि मेरा वास्तविक स्वभाव क्या है, नित्य शुद्ध
नित्य बुद्ध नित्य मुक्त स्वभाव हूँ मैं, ये जान लेना। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, न च श्रोत्र वक्त्रे न च घ्राण नेत्रे, मैं आँख कान नाक नहीं हूँ, मैं मोह नहीं हूँ, राग नहीं हूँ, द्वेष नहीं हूँ, न मैं गुरु हूँ न शिष्य हूँ, न मेरा बंधन है न मुक्ति है, न जन्म है न मरण है। खाली बोलने से नहीं, पर ये जान लेना, अपने स्वभाव को जान लेना, यही मोक्ष है। बंधनात् मृत्योः मुक्षीय, मैं उस बंधन रूपी जो मृत्यु है उससे छूट जाऊं। तो जो वो जो छूटना है वो यही है कि जो कल्पना में मैंने समझ रखा था, वो रविंद्रनाथ ठाकुर की एक कविता है ना, बंदी ये चारों तरफ तेरे, चारों तरफ ये दीवारें किसने बनाई, किसने तुझे इन दीवारों के बीच में डाल दिया, कि मैं ही बैठा था और मैंने एक एक ईंट चुन चुन करके ये दीवारें बनाना शुरू किया, कि मैं जब दीवार बना चुकूंगा तो अपने सारे शत्रुओं को लाकर इसमें डालूंगा, लेकिन जब दीवार बन चुकी तो मैंने देखा कि वो दीवार मेरे चारों तरफ खड़ी थी और मैं बीच में बंदी होकर बैठा था। बंदी ये हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ तुम्हें किसने पहनाई, कि मैं ही बना रहा था कि जब बन जाएंगी तो अपने सारे शत्रुओं के हाथों और पैरों में डालूंगा, और जब बनकर तैयार हो गई तो मैंने देखा कि वो मेरे ही हाथों और पैरों में पड़ी हुई थी। तो ये हमने अपने बंधन अपने आप बनाए हुए हैं, कल्पना के बंधन हैं। मोक्ष कह लीजिए, स्वतंत्रता कह लीजिए, आत्मा का अपने आप को ये जानना कि मुझ में इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ईश्वर की परिपूर्ण है ना, ये जान लेना कि मैं यह मन नहीं हूँ, मन में जो क्रियाएं होती हैं, मन में जो उद्वेग होते हैं, मन में जो उछालें उठती हैं, वह मैं नहीं हूँ। यह जान लेना कि आंखों में जो होता है वो मैं नहीं हूँ। तो वो जो स्वयं ज्योति है, उस स्वयं ज्योति का अपनी ज्योति को जान लेना, उसके ऊपर जो पर्दा सा पड़ा हुआ था उसको उसको हटा देना, तो वही मोक्ष है। Het programma wordt herhaald aanstaande zaterdagochtend om 10:30 ook weer op Nederland 1.